Hello students, how are you all? I hope you all are fine. So today we are going to start our fifth chapter of 6th standard essays of our second semester, right? So the fifth chapter is In Search of Peace, Buddha and Mahavir. तो पीस की सर्च में जब बुद्धा एंड महावीर निकल गए थे अपने घर को छोड़ के और कैसे उसने उन्होंने दोनों ने गौतम बुद्धा एंड महावीर स्वामी ने ट्रूथ का सर्च किया, कैसे वो ट्रू पीस ट्रू हैप्पीनेस उन लोगों ने फाइंड की, वो हमें इस चैप्टर में देखना है, राइट? सो इन 6th century BC इम्पॉर्टेंट रिफॉर्म्स वर डन इन सोशल एंड रिलीजियस सेक्टर्स इन इंडिया. इन 6th century सम ऑफ द रिफॉर्म्स वर्क्ड against social evils that had entered social and religious areas. Along with it, they also worked for removal of social inequalities and immoralities. Gautam Buddha and Mahavir Swami are the main ones. We'll try to understand the life of Gautam Buddha and Mahavir Swami, their pursuit and humanity established by them. क्या देख रहे हैं इस चैप्टर में कि जब 6th century चल रही थी BC बिफोर क्राइस्ट, तो बहुत सारे रिफॉर्म्स हुए हमारे सोशल लाइफ में भी, रिलीजियस लाइफ में भी बहुत सारे चेंजेस आए. और चेंजेस लाने में सबसे बड़ा किसका हाथ था? महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध, इन सबका. तो क्यों रिफॉर्म क्यों करना पड़ा? क्योंकि हमारे उस टाइम पे 6th century में जो सोशल एंड रिलीजियस लाइफ थी उसके अंदर बहुत सारी एविल कस्टम्स थी जो अच्छी नहीं थी, लाइक सती प्रथा है, फिर बच्ची को दूध पीती करना है, चाइल्ड मैरिज है, फिर मूर्ति पूजा है, ये सारी एविल कस्टम्स थी. तो उनको हटाने के लिए और रियल पीस एंड रियल ट्रुथ को फाइंड करने का जो हमें वे दिखाया वो थे भगवान बुद्धा एंड महावीर स्वामी. तो लेट जस्ट अंडरस्टैंड अबाउट देम. So first one is Gautam Buddha. We obtain a lot of information about Gautam Buddha and Buddhism from the Jatak Katha and Buddhist text. जो हमें अगर गौतम बुद्ध के बारे में जानना है तो जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट है जातक कथा और एक त्रिपिटक करके बुद्धिस्ट टेक्स्ट लिखा हुआ है उसके अंदर से हमको बुद्धिज्म के बारे में और गौतम बुद्ध के बारे में हमें जानकारी मिलती है. त्रिपिटक के अंदर 3 parts है, दैट इज सुक्त पिटक, विनय पिटक एंड अभिधम्म पिटक. अबाउट 550 जातक स्टोरीज आर एसोसिएटेड विद प्री बर्थ ऑफ बुद्धा. बुद्धा के जन्म से पहले से लेके बुद्धा के टाइम की 550 जातक स्टोरीज लिखी हुई है जिसकी हेल्प से हमें अबाउट बुद्धिज्म और गौतम बुद्ध के बारे में भी पता चलता है. देयर वाज अ किंगडम कॉल्ड कपिलवस्तु इन द फुट हिल्स ऑफ हिमालयस व्हाइल गोइंग टुवर्ड्स नेपाल. नेपाल की ओर जब जाते तब हिमालय की फुट हिल्स पे एक कपिलवस्तु करके किंगडम था. द क्षत्रियस ऑफ कपिलवस्तु वर कॉल्ड शाक्यस. जो कपिल वस्तु में रहने वाले क्षत्रिय पीपल थे उसको शाक्य बोला जाता था. इट वॉज अ रिपब्लिक, ये रिपब्लिक किंगडम था. जब जैसे अभी हमारी कंट्री रिपब्लिक है ना, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा और लोगों से चलने वाली, सेम एज उस टाइम पे भी ये किंगडम कपिल वस्तु भी रिपब्लिक था. शुद्धोधन वॉज द हेड ऑफ दिस रिपब्लिक. और इस रिपब्लिक का जो हेड था वो कौन था? शुद्धोधन. शुद्धोधन वॉज द फादर ऑफ गौतम बुद्धा. माया देवी वॉज वाइफ ऑफ शुद्धोधन. माया देवी शुद्धोधन की पत्नी थी. गौतम बुद्धा वॉज बॉर्न इन हाउस ऑफ शुद्धोधन एंड माया देवी इन 566 BC. 566 बिफोर क्राइस्ट में शुद्धोधन और माया देवी के यहाँ पे गौतम बुद्ध का जन्म हुआ. हिज चाइल्डहुड नेम वॉज सिद्धार्थ. उनका बचपन का नाम था सिद्धार्थ. आफ्टर फ्यू डेज ऑफ हिज बर्थ हिज मदर माया देवी डाइड. उनके जन्म के कुछ ही दिन बाद उनकी माता का अवसान हो गया. ही वॉज नर्चर्ड बाई गौतमी महाप्रजापति हु वॉज हिज फोस्टर मदर. उनकी पालक माता कौन थी? गौतमी महाप्रजापति, जिन्होंने उनका अच्छे से पालन किया. फ्रॉम यंग एज सिद्धार्थ वॉज एसोसिएटेड विद एजुकेशन एंड नॉलेज. बहुत ही यंग एज से उसके उनके पास बहुत सारा नॉलेज भी था और बहुत अच्छा एजुकेशन दे रहे थे. नेक्स्ट टू कपिल वस्तु देर वॉज अ मोनेस्ट्री ऑफ अ सेंट नेम्ड अलारा कलाम. अलारा कलाम करके एक सेंट की मोनेस्ट्री थी कपिल वस्तु जो किंगडम था ना उसके बाजू में. अलारा कलाम वॉज अस गुरु. सो गौतम बुद्ध वहाँ पे जाया करते थे और उनके पास से एजुकेशन लेते थे, उनके पास से नॉलेज लेते थे. दैट्स वाई अलारा कलाम वॉज अस गुरु, उनके गुरु थे. सिद्धार्थ वेंट टू हिज आश्रम.
हियर ही डिड मेडिटेशन. सिद्धार्थ वहां पे जाते थे और मेडिटेशन भी करते थे रह के. सिद्धार्थस फादर वॉज वरीड एज ही कंटिन्यूड टू डिस्कस नॉलेज एंड समाधि. सिद्धार्थ के जो पिता थे शुद्धोदन, उनको फिर ये सब उनकी एक्टिविटी देख के उनको टेंशन हुई कि अगर ये ही चीजें वो करता रहा तो वो मेरा किंगडम पूरा संभालना छोड़ के कहीं वो मेडिटेशन के मार्ग में आगे बढ़ के सन्यासी ना बन जाए. दैट्स वाई ही वॉज वरीड ऑफ सिद्धार्थ वुड बिकम अ मॉन्क. अगर वो संत बन गया तो. सिद्धार्थ वॉज मैरिड एट यंग एज. हिज वाइफ्स नेम वॉज यशोधारा. ही ऑल्सो हैड अ सन नेम राहुल. इसीलिए उनके पिताजी ने उनकी बहुत ही यंग एज में ही मैरिज करवा दी. उनकी पत्नी का नाम था यशोधरा एंड उनका एक बेटा भी था. His name is Rahul. Home sacrifice and sadhana. उन्होंने अपना होम सेक्रीफाइस कर दिया था और साधना के लिए चल पड़े थे. So at age of 30, he decided to renounce his royal family and and become a saint. Saint मतलब hermit. बुद्ध लोगों के बुद्धिस्ट धर्म के अंदर जो saint होते हैं उसको hermit बोला जाता है. In search of truth. ट्रूथ मतलब सच में जो सच्चाई क्या है हमारे अस्तित्व की वो फाइंड करने के लिए उन्होंने अपना फैमिली भी छोड़ा 18 एज ऑफ 30 और अपना किंगडम भी छोड़ के निकल गए. वन नाइट ही टूक हिज चैरियटर चन्ना एंड हॉर्स कंथक एंड वेंट द रिवर बैंक आउटसाइड हिज स्टेट. अपने स्टेट के बाहर एक रिवर बैंक पे वो अपने रथ को चलाने वाले थे. उनका नाम था चन्ना एंड उनका हॉर्स था एक घोड़ा उसका नाम था कंथक. उन दोनों को लेके निकल गए. लिविंग हिज रॉयल अटायर ही गेव ऑल हिज ज्वेलरी टू चन्ना एंड ऑर्डर हिम टू टेक कंथक अलोंग विद हिम एंड रिटर्न टू द पैलेस. जब वो रिवर बैंक पे पहुंचे तो चन्ना को उन्होंने अपना रॉयल अटायर मतलब अपना पोशाक भी दे दिया, अपने सारे गहने भी निकाल के दे दिए और बोला कि कंथक को लेके आप वापस से हमारे पैलेस चले जाओ. He himself wore the ascetic cloth of hermit and walked towards the jungle. उन्होंने एक संत के कपड़े धारण किए और जंगल की ओर चल पड़े. After leaving his home, he went to Rajgiri and then to Puruvela. अपने घर को छोड़ने के बाद वो राजगिरी गए और next पुरुवेला गए. Here he started penance with 5 Brahmins. फिर उन्होंने अपना प्रायश्चित शुरू किया 5 ब्राह्मण के साथ. He felt that giving up food and water and tormenting the body would not yield knowledge. खाना पीना छोड़ के प्रायश्चित करना वो नॉलेज नहीं दे सकता ऐसा उनको लगा. So conquering the path of self-consciousness and the desire is the major duty of human being. Living 5 Brahmins, he decided to do penance alone. उन्होंने सोचा कि अगर self-consciousness खुद की जागृति का पाथ अगर उनको लेना है वही हासिल करना हमारी ह्यूमन बीइंग्स की मेन ड्यूटी है तो फिर उन्होंने वो 5 ब्राह्मण को अकेला छोड़ के खुद ही प्रायश्चित के मार्ग पे साधना के मार्ग पे आगे चले गए. सिटिंग अंडर द पीपल ट्री एट बोधिगया ही स्टार्टेड साधना फॉर ट्रूथ एंड एनलाइटमेंट. ट्रू आनंद जिसको बोलते हैं सच्चा आनंद और जो हमारे अस्तित्व का सत्य है जो ट्रू पीस है वो फाइंड करने के लिए वो एक बोधि गया में एक पीपल का ट्री है उसके नीचे बैठ के वो मेडिटेशन करना स्टार्ट करती है. और एक दिन ऐसा आया जब उनको ट्रूथ हमारे अस्तित्व की ट्रूथ जो ट्रू पीस है उसके बारे में जो सच्चा आनंद है वो उनको अनुभव करने मिला. आफ्टर मेनी डेज ऑफ साधना ही गॉट नॉलेज ऑन द डे ऑफ वैशाख पूर्णिमा. वैशाख पूर्णिमा के दिन पर बहुत सारे टाइम मेडिटेशन करने के बाद उनको ये हकीकत मालूम हुई. ऑन एक्वायरिंग नॉलेज ही बिकेम बुद्धा फ्रॉम सिद्धार्थ. ये नॉलेज लेने के बाद वो सिद्धार्थ से क्या बन गए गौतम बुद्धा. बुद्धा मीन्स कॉन्शियस और वाइज. बुद्धा का मतलब क्या होता है जो कॉन्शियस है जो वाइज है जो चतुर है जिसके पास नॉलेज है. लेटर ऑन ही वॉज कॉल्ड गौतम बुद्धा और बाद में उनको गौतम बुद्धा बोला गया. यहाँ पे उनका पिक्चर भी दिया हुआ है. प्रीचिंग्स मतलब उन्होंने जो कुछ भी सीखा ये एनलाइटनमेंट उनको मिली ये जो ट्रू आनंद ट्रुथ को उन्होंने फाइंड किया ये सब तक पहुंचाना सबको बोलना सबके सामने उसका प्रवचन करना उसको बोला जाता है प्रीचिंग्स. आफ्टर अटेनिंग एनलाइटनमेंट बुद्धा वेंट टू सारनाथ वेयर ही मेट हिज ऑल ब्राह्मण फ्रेंड्स
For the first time, he preached to those five Brahmins monks at Sarnath. फिर ये जो एनलाइटनमेंट उनको मिला अंदर का सत्य आनंद ये मिलने के बाद बुद्धा कहाँ पे गए? सारनाथ गए. सारनाथ में वो अपने जो ट्रू फाइव ब्राह्मण फ्रेंड्स थे जो उनको पहले मिले थे जब वो पीनंस कर रहे थे, तो उनको वो फिर से सारनाथ में मिले और फर्स्ट टाइम उन्होंने उनके सामने ये जो अपने नॉलेज का प्रवचन दिया. Bodha's first preachings are called Dharma Chakra Pravartan. भगवान बुद्धा ने ये जो फर्स्ट प्रीचिंग अपनी दी थी इन ब्राह्मण्स के सामने उसको बोला जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन. Buddha gave very simple sermon to get rid of the miseries of the world. ये जो दुनिया के different miseries है, दुख है, उनसे आगे बढ़ने के लिए उन्होंने सिंपल वेज बताए. According to him, there are four Arya truths. चार truths है जो हमें अपने जीवन में मानने चाहिए. वो क्या है? The first one, the world is full of miseries. दुनिया दुखों से ही भरी हुई है. The cause of suffering is greed or strong desire. किसी भी चीज का लोभ या उसको पाने की जो strong desire होती है, हमारी इच्छा होती है, उसको ही सभी सफरिंग का कोज कारण माना जाता है. डिस्ट्रक्शन ऑफ सफरिंग इज रीयूनिशिएशन ऑफ डिजायर. सफरिंग अगर हमें खत्म करना है तो डिजायर को पहले छोड़ना होगा, हमारी इच्छाओं को छोड़ना पड़ेगा. एडॉप्शन ऑफ ऑक्टागोनल पाथ मतलब अष्टांग मार्ग एलिमिनेट्स डिजायर. और अष्टांग मार्ग अगर हम ले लेते हैं, हम उसको फॉलो करना स्टार्ट करते हैं, तो हम अपनी डिजायर्स छोड़ पाएंगे. दिस फोर ट्रूथ एक्सप्लेन बाय बुद्धा आर नोन एज द बुद्धिस्ट प्रिंसिपल. ये चार प्रिंसिपल भगवान बुद्धा ने जो समझाए अपने ब्राह्मण फ्रेंड्स को उनके फर्स्ट प्रीचिंग्स में, उसको बोला जाता है बुद्धिस्ट प्रिंसिपल, ऑल्सो नोन एज द सम्यक दर्शन. बुद्धिस्ट प्रिंसिपल भी बोला जाता है, सम्यक दर्शन भी बोला जाता है. सम्यक दर्शन के अंदर ये अष्टांग मार्ग लिखा हुआ है जिनको फॉलो करने से हम अपनी व्यर्थ की जो डिजायर्स है उनको छोड़ पाते हैं. तो कौन कौन से आठ अलग अलग मार्ग है सो नीचे आपको दिए हुए देखो नो दिस में. फर्स्ट इज सम्यक साइट, सेकेंड वन इज सम्यक रिजोल्व, सम्यक स्पीच, सम्यक डेट्स, सम्यक अर्निंग, सम्यक एक्सरसाइज, सम्यक मेमोरी, सम्यक समाधि. सम्यक इज संस्कृत वर्ड, सम्यक मीन्स प्रॉपरली मतलब संपूर्ण दृष्टि होनी चाहिए हमारे पास. फिर संपूर्ण मतलब अच्छा बोलना, हमारे पास संपूर्ण कैसा क्या किस जगह बोलना चाहिए उसका नॉलेज होना चाहिए. अच्छे कर्म होने चाहिए, जो भी धन हम कमाएंगे वो भी अच्छा होना चाहिए, बुरा धन नहीं कमा सकते. मेमोरी, जो भी याद है आप अपने दिमाग में भरते हो, दैट शुड बी सम्यक गुड होनी चाहिए. समाधि भी जब आप लो वो भी सम्यक प्रॉपर होनी चाहिए. तो ये सारे अष्टांग मार्ग है जिसको प्राप्त करने, जिस पे चलने के बाद हम अपने डिजायर्स को कंट्रोल कर सकते हैं. सो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा. और अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे क्लास में पूछ सकते हो. सो आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट आगे का नेक्स्ट क्लास में करेंगे. टिल देन बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे एंड बी केयरफुल, डोंट गो आउटसाइड. बाय.